अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। एक ट्राइंगल हमें गिवन है, ट्राइंगल ABC, और उसके हमें दो साइड्स गिवन है। एक हमें ये BC गिवन है विच इज़ इक्वल टू K, और एक हमें AB गिवन है जिसकी लेंथ है अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई के। हमने फाइंड करना है ये वाला एंगल जिसको कहते हैं थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमने फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चीज़ है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये है कि आप बिल्कुल अपने आंखों के सीध में देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी अपने आंखों के सीध में। अब ये जो सीधी लाइन है, इस लाइन से अगर हम ऊपर देखेंगे तो जो एंगल बनता है तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप बिल्कुल सीधे खड़े होकर बिल्कुल सीधा देखें। ये जो सीधा देखेंगे ये एक लाइन बन जाएगी। इस लाइन से अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर इसी लाइन से आप नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सॉल्यूशन आसान है। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए आप लोगों को। साइन थीटा जो है वो किसकी इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसकी इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा किसकी इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको हर सूरत याद होने चाहिए। अब जो गिवन ट्राइंगल है, इस गिवन ट्राइंगल के अंदर हमारे पास तीन साइड्स हैं, AB, BC और AC या CA। अब इस एंगल के हवाले से, जिस एंगल को हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इस एंगल के सामने वाली साइड है BC। ये जो एंगल जो हम फाइंड करना चाहते हैं, इस एंगल के सामने जो साइड है वो कौन सी है? ये वाली साइड है जो कि K है, और इसका नाम क्या है? BC। तो हमेशा ये याद रखें कि जो एंगल हम कंसिडर करते हैं उस एंगल के सामने वाले साइड को हमेशा हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैं लिख देता हूँ BC विच इज इक्वल टू K, और AB हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई K, और हमें AC की ज़रूरत नहीं है, और हमें थीटा फाइंड करना है। इस ट्राइंगल को मद्देनज़र रखते हुए जो मेरे पास AB है, अच्छा ये मैंने डिसाइड कर दिया ना कि एंगल के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। यानी BC जो है वो हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। 90 के एंगल के सामने वाले साइड को हमेशा, यानी ये दो चीज़ें फिक्स रखें, जो एंगल कंसिडर करते हैं उस एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, 90 एंगल के सामने वाले साइड को हम हमेशा हाइपोटेन्यूज कहेंगे। ये हर तरफ बिल्कुल सही तरीके से आपको ये पॉइंट याद हो। अब एक ही साइड रहती है और उस साइड को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? बेस है। अब अगर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला जो मैंने साइड पर लिखे, वह अगर ये आप जहन में रखें, अब इस ट्राइंगल को देखें, इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें नॉन है? एक परपेंडिकुलर हमें पता है और एक बेस हमें पता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू का हमें नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि हमने इन तीन फार्मूलाज में से वो वाला फार्मूला यूज़ करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ रहा हो। और अगर हम देखें ये तीसरा फार्मूला टेन थीटा वाला, ये फार्मूला हमारे काम आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर मौजूद है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एज टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस ट्राइंगल के मुताबिक परपेंडिकुलर हमारा क्या बनता है? BC। परपेंडिकुलर क्या बनता है? BC, ये देखें। और बेस क्या बनता है? AB। तो अब BC की लेंथ कितनी है? K।
ये हमें मालूम है, गिवन है, और ए बी की लेंथ भी हमें गिवन है, वो क्या है, अंडर द रूट 3 ओवर के। सो टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आप कटिंग भी कर सकते हैं, के वन जर के और के वन जर के और के कट जाएंगे तो ऊपर रह जाता है आपका 1 और नीचे रह जाता है अंडर द रूट 3, क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है, थीटा के साथ टेन का वर्ड एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अब हमने अगर हम टेन को ख़त्म करना हो तो ये उस तरह से नहीं है कि मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड करेंगे, ये ऐसा होगा कि टेन का जो उलट है वो टेन इनवर्स है, तो हम थीटा यहीं पे रहने देंगे, टेन हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इनवर्स के साथ टेन इनवर्स, और यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट ज़रूर ज़रूर डाला करें, ओवर 1 ओवर अंडर द रूट 3। ये अगर आपको टेबल याद हो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ हैं, अगर वो याद ना हो तो आप कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट दबाएं और उसके बाद 10 दबाएं, फिर ब्रैकेट डालें, 1 ओवर अंडर द रूट 3 लिखें, यानी 1 डिवाइड अंडर द रूट 3 लिखें, और फिर ब्रैकेट क्लोज करें और इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्रीज। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। बाकी जो पार्ट्स हैं इसके वो भी मैं करा देता हूँ, और इस तरह से मज़ीद आपकी चीज़ें आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, और इसमें भी हमें जो ट्रायंगल गिवन है उसका नाम है एबीसी, और इसके अंदर हमने थीटा फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है, और हमें बीसी की वैल्यू गिवन है, बीसी किसकी इक्वल है, अंडर द रूट 3 इंटू के, ये इसकी वैल्यू गिवन है, और ए सी की वैल्यू गिवन है, ए सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई के, और थीटा हमने फाइंड करना है। अब हमने डिसाइड करना है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। अब थीटा ये है, इस थीटा के सामने वाली साइड ये है, इसका मतलब बी सी जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और 90 एंगल के सामने, एंगल ये जो सिंबल है ना ये 90 एंगल का, इस तरह का हो तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 है, तो इस 90 एंगल के सामने वाले साइड को हमेशा हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, सो दिस इज हाइपोटेन्यूज। और एक ही साइड रहती है ए बी, ये क्या चीज बन जाएगी, यह है बेस। अब यहां पर देखें हमारे पास किसकी वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, और ये तीन फार्मूलाज आपके सामने हैं। अब कौन सा फार्मूला यूज होगा, साइन थीटा, क्यों, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और यहां पर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये गिवन है, यहां पर परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर हमारे पास है, उसके बाद क्या हाइपोटेन्यूज, हमारे हाइपोटेन्यूज ये हैं, तो इसका मतलब ये साइन थीटा हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो एज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर क्या है, बी सी ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, वैल्यू स्पुट कर दें, बी सी की वैल्यू है अंडर द रूट 3 ओवर के, ओवर ए सी की वैल्यू क्या है 2 के। तो अब हम यहां पर कटिंग कर सकते हैं, के और के की कटिंग हो जाएगी, हमारे पास रह जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 ओवर 2। अब हमने क्या करना है, थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन, वहां पर जाके चला जाएगा तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा अंडर द रूट 3 ओवर 2, और अगर हम कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट के बाद साइन दबाएं तो साइन इनवर्स लिखा जाएगा, और फिर ब्रैकेट डाल के अंडर द रूट 3 लिखें, डिवाइड, फिर 2 लिखें, फिर ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल कर दें, तो आपके पास एंगल आ जाएगा ये वाला 60 डिग्रीज।
अब क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। और एक ट्रायंगल हमें गिवन है जिसका नाम है पी क्यू आर। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन है वो है क्यू आर इज़ इक्वल टू 1 मीटर या 1 m, और पी आर हमें गिवन है विच इज़ इक्वल टू 2 मीटर, और थीटा हमने फाइंड करना है। अब उसी तरह आप सोचें, एंगल के सामने वाले साइड क्या है, ये वाली साइड है, इसको हम क्या कहते हैं, ये परपेंडिकुलर है। 90 एंगल के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, ये है हाइपोटेन्यूस, और एक ही साइड रहती है उसको हम क्या नाम देते हैं, बेस। अब देखिए, मेरे पास जो चीज़ें गिवन है, जो साइड्स गिवन है, उनको मैं यूज़ करूँगा। इसका मतलब कि हमें परपेंडिकुलर गिवन है 1 मीटर, और हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है 2 मीटर। जब हमें परपेंडिकुलर गिवन है तो इसका मतलब जो इसमें ये दोनों आ रहे हैं, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूस भी, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो लिहाजा जो थीटा है ये मैंने फाइंड करना है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो एज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, वैल्यूज पुट कर देते हैं, परपेंडिकुलर है क्यू आर और हाइपोटेन्यूस है पी आर, वैल्यूज पुट कर दें, क्यू आर 1 m की इक्वल है और पी आर 2 m की इक्वल है, तो अब ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर रह जाता है 1 और नीचे रह जाता है 2। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो हमने थीटा फाइंड करना है, तो साइन को हम दूसरी साइड भेज देंगे, तो साइन इनवर्स हो जाएगा 1/2। अब हम कैलकुलेटर उठाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्रीज। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है LMN, एक ट्राइंगल है, तो LM हमें गिवन है कि LM इज इक्वल टू 3K, और MN हमें गिवन है अंडर द रूट 3K, ये हमारे पास है, और एंगल हमने फाइंड करना है। और कीप इन माइंड कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री एंगल के सामने साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं, तो ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, और थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और एक साइड रहती है उसको हम क्या कहते हैं, ये है बेस। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है और बेस की वैल्यू है, तो इसका मतलब हमें कौन से फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, परपेंडिकुलर और बेस, ये हमारे पास है, तो टेन थीटा की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो एज टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, वैल्यूज पुट कर देते हैं, परपेंडिकुलर है एम एन और बेस है एल एम, तो एम एन की वैल्यू हमारे पास है अंडर द रूट 3K ओवर एल एम की वैल्यू है 3K, यहाँ पर के और के की कटिंग हो जाती है, तो टेन थीटा हमारे पास रह जाता है अंडर द रूट 3/3। अब इस अंडर द रूट 3/3 को दो तरीकों से, एक और तरीके से लिख सकते हैं। अंडर द रूट 3/3 को मैं लिख सकता हूं, अगर अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं, तो ऊपर वाले दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3, तो ऊपर वाला जो है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 रह जाएगा, और नीचे जो है हमारे पास 3
अंडर द रूट 3 है, तो अब क्या होगा, ऊपर 3 और नीचे वाला 3 कैंसिल होगा, तो ऊपर रह जाता है 1 और नीचे रह जाता है अंडर द रूट 3। तो इसका मतलब यह है, इसको हम लिख सकते हैं 1/√3। अब क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स हो जाएगा 1/√3। अगर आपको टेबल याद हो तो वहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर टेबल याद ना हो तो आप पहले तो कोशिश करें टेबल याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो फिर आपके लिए आसानी होगी। ना हुआ तो आपने क्या करना है, शिफ्ट पे प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद यानी कैलकुलेटर का शिफ्ट प्रेस करें, फिर 10 जिसके ऊपर लिखा वो वाला बटन प्रेस करेंगे तो 10 इनवर्स लिखा आ जाएगा, और उसके बाद आप 1 लिखेंगे, 1 के बाद डिवाइड करके अंडर द रूट 3 लिखें। बेहतर यह है कि यहाँ पर शिफ्ट और 10 इनवर्स जब आ जाएगा तो यहाँ से आप ब्रैकेट डाला करें तो इक्वल प्रेस कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्रीज का। अब हम एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने फाइंड करना है, तो इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, दोबारा मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, यानी हम यहाँ से अपनी आंख रख के यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट देख रहे हैं, और इस लाइन से ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे जो एंगल बनेगा, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और अगर इस लाइन से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है इस लाइन के साथ, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में ये ट्रायंगल हमें गिवन है और हमने एंगल यानी थीटा फाइंड करना है, थीटा हमने फाइंड करना है, लेकिन ये थीटा ट्रायंगल से बाहर है, इसको हम ट्रायंगल के अंदर लाते हैं फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थीटा, ये लाइन देखें, ये वाली लाइन और ये ए बी वाली लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। जब पैरेलल हो तो दूसरी लाइन जो ए सी वाली लाइन है इन दोनों लाइंस को क्रॉस करती है, तो ये जो थीटा है इसका मुतबादल एंगल यहाँ पर बनेगा। इसको मुतबादल एंगल भी कहते हैं या अल्टरनेट एंगल भी कहते हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल बनता है थीटा, ये हमने फाइंड करना है। अब ये ट्रायंगल के अंदर आ चुका है, तो अब इस ट्रायंगल के इस थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। 90 एंगल के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, और एक साइड रहती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। अब हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है, और थीटा हमने फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास और एक बेस की वैल्यू है, और देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका मतलब हमें किस फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, टेन थीटा की। तो एज टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, वैल्यूज पुट कर देते हैं, परपेंडिकुलर जो कि क्या चीज़ है, बी सी है, और बेस क्या है, ए बी। अब बी सी की क्या वैल्यू है, 5 सेंटीमीटर, और ए बी की क्या वैल्यू है, 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की कटिंग हो जाती है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू 5/6। अब थीटा फाइंड करना है तो 10 वहां पर जाके इनवर्स बन जाएगा, 10 इनवर्स 5/6, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब हमने कैलकुलेटर उठाना है, शिफ्ट प्रेस करके उसके बाद 10 प्रेस करके, तो 10 इनवर्स लिखा जाएगा, 5/6 करेंगे तो अब हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 39.8 डिग्रीज। तो आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर साथ रखें, फिर आपके लिए आसानी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इस तरह पहले पार्ट में हमने किया, ये जो थीटा है यहाँ पर एक और एंगल बनेगा, इसका अल्टरनेट एंगल या मुतबादल एंगल बनेगा, ये एंगल हमने फाइंड करना है थीटा, और पी क्यू ट्राइंगल जो है इसमें पी क्यू हमारे पास है, पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर
पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर अगर आप देखें इसी तरह परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और एक साइड रहती है उसको हमने बेस का नाम दिया। तो अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, बेस की वैल्यू हमारे पास है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। तो इसका मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज जो है ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला, यानी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो एज टेन थीटा एज कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू है, बेस है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है पी आर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 4 सेंटीमीटर पी क्यू की वैल्यू और पी आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। कटिंग कर लेते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 4 वन जर 4, 4 टू जर 8, तो 1/2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा विल बी इक्वल टू, अब इनवर्स बन जाएगा इसका कॉस का, तो कॉस इनवर्स 1/2। जब हम कैलकुलेटर उठाएंगे शिफ्ट और उसके बाद कॉस प्रेस करेंगे तो कॉस इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा, 1/2 लिखें, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 16 डिग्रीज। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थीटा हमने फाइंड करना है और एम एन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एल एन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ये जहन में रखें कि इस एंगल का हमने यहां पर थीटा बनाया अल्टरनेट एंगल, इस अल्टरनेट थीटा के सामने वाले साइड को हमने परपेंडिकुलर का नाम दिया, 90 एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज का नाम दिया, और ये एक साइड रहती है उसको हमने बेस का नाम दिया। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो एज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है एम एन और हाइपोटेन्यूज है एल एन, तो एम एन की क्या वैल्यू है, 4 सेंटीमीटर और एल एन की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 4/5। अब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, कैलकुलेटर उठाएंगे और वहां पर साइन इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे 4/5 की, दिस इज इक्वल टू 53.1 डिग्रीज। प्लीज कैलकुलेटर का यूज सीखें, बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने थीटा जो है वो हमने पॉइंट आउट करना है, थीटा यहां पर आएगा, अल्टरनेट एंगल बनता है। अब इस एंगल के सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 एंगल के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और इसको हम बेस कहते हैं। अब थीटा हमने फाइंड करना है, टी यू की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, एस यू की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। अब हमने डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब देखें परपेंडिकुलर हमारे पास है और हाइपोटेन्यूज है, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज होगा, कि एज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, परपेंडिकुलर टी यू
हाइपोटेन्यूज एस यू वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 सेंटीमीटर एस यू की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, कटिंग करते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 4 1 4 4 2 8, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब यहां से थीटा को अलग करना है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अ बलून इज कनेक्टेड टू अ मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन बाय अ केबल ऑफ लेंथ 215 मीटर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, डिटर्मिन द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द अर्थ। अब इस स्टेटमेंट को हम एक डायग्राम की शक्ल में हम इसको समझते हैं। अ बलून इज कनेक्टेड, हम बलून कंसिडर करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर क्या है, बलून है, इस पॉइंट के ऊपर बलून है और एक स्ट्रिंग के साथ और एक केबल के थ्रू कनेक्टेड है और वो कनेक्टेड है यहाँ पर पॉइंट ए पर, ये कनेक्टेड है और हम कोई भी नाम दे सकते हैं ए बी सी, तो बी के ऊपर हमारे पास क्या है, बलून है, बी के ऊपर बलून है और पॉइंट ए के साथ स्ट्रेट केबल के थ्रू कनेक्टेड है। ये जो ए बी लाइन है, डेट लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, यानी ये जो हॉरिजेंटल लाइन है जिसको मैं ए सी का नाम दूंगा, ये ए सी एक हॉरिजेंटल लाइन है, इसके साथ ये जो ए बी है दैट मेक्स इन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। और ये जो केबल है ए बी, यानी जो बलून कनेक्टेड है ए पॉइंट के साथ, इसकी लेंथ है, इस केबल की लेंथ है 215 मीटर्स, 215 मीटर्स। डिटर्मिन द हाइट ऑफ द बलून, बलून ये जो कि पॉइंट बी के ऊपर है, अर्थ से ये बलून कितनी हाइट के ऊपर है, तो ए सी जो है, ए सी ये अर्थ स्टेशन है, ये अर्थ सरफेस है और पॉइंट सी से इसकी हाइट हम लेंगे तो यानी बी सी जो है डेट विल बी द हाइट ऑफ द बलून, हाइट ऑफ द बलून दैट इज बी सी, और ये बी सी हमने फाइंड करना है। और अब जिस तरह कुछ पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, यहाँ पर दो चीज़ें जहन में रखें कि हमारे पास जो एंगल गिवन है, इस एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। देखें ये जो 60 डिग्री एंगल है, इसके सामने बी सी वाली साइड है और इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यानी एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। जो 90 एंगल है, उस 90 एंगल के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इंफॉर्मेशन से हमारा ताल्लुक है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, साइन थीटा। तो एज यहां पर यू भी मैं लिख सकता हूं कि बी सी हमने फाइंड करनी है जो कि हाइट ऑफ द बलून है, और ए बी दैट इज इक्वल टू 215 मीटर्स, और थीटा हमें गिवन है 60 डिग्रीज। एज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है और हाइपोटेन्यूज ए बी है। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो थीटा हमारे पास 60 है, तो साइन 60 डिग्रीज, थीटा की जगह 60 डिग्रीज इज इक्वल टू बी सी, बी सी हमारे पास हाइट है, ये हाइट हमने फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द बलून डिवाइडेड बाय ए सी विच इज 215 मीटर्स। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, तो हाइट
यहाँ पर आ जाएगी, हाइट ऑफ द बलून विल बी इक्वल टू 215 मल्टीप्लाई होगा साइन 60 के साथ। तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से लिखेंगे 215 और फिर मल्टीप्लाई करके साइन 60 लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 186.19 मीटर्स, क्योंकि जो 215 लेंथ गिवन है वो मीटर्स में है, तो ये हमारी हाइट भी मीटर्स में आ जाएगी। सो हाइट ऑफ द बलून इज इक्वल टू 186.19 मीटर्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, हम इस ट्रायंगल को नाम देते हैं, फिर आसानी होगी। ए बी सी, ये तीन पॉइंट्स हमारे पास है, ये ट्रायंगल है, और बी सी जो है, दिस बी सी इज द टावर। बी सी को हमने नाम दिया कि ये क्या है, ये टावर है, और ये जो टावर है ये 150 मीटर्स जो है बी सी, इस पूरी हाइट को, इस टावर को ले लें, इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस में है, 150 मीटर्स है, और ये जो ए सी पॉइंट है, जो टॉप ऑफ द टावर है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर इज क्या है, 30 डिग्री फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से जो कि हॉरिजेंटल पॉइंट है, इस पॉइंट से सी तक की जो लाइन बनती है, दैट लाइन ए सी मेक्स एन एंगल 30 डिग्रीज विद द हॉरिजेंटल प्लेन, विद द हॉरिजेंटल प्लेन ए बी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमने बी सी की हाइट, बी सी फाइंड करना है, यानी ये क्या है, टावर हाइट, ये हमने फाइंड करनी है, टावर हाइट ये हमने फाइंड करनी है। अब देखें हमारे पास जो एंगल है, एंगल इसके सामने 30 डिग्री एंगल के सामने ये वाली साइड है, इसको हम नाम देते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्रीज है, इसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और एक ही साइड रहती है वो ए बी है, जो कि ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन गिवन है, एक बेस और एक टावर, यानी टावर हाइट जो है, जो कि परपेंडिकुलर, ये हमने फाइंड करनी है, और एक एंगल हमें गिवन है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 150 मीटर्स, बी सी जो कि हाइट ऑफ द टावर है ये हमने फाइंड करनी है, और थीटा हमारे पास है 30 डिग्रीज। नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर बी सी है, ओवर बेस क्या है, ए बी। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, थीटा जो है वो 30 डिग्रीज है, तो टेन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू बी सी, हाइट ऑफ द टावर ये हमने फाइंड करनी है, और ए बी 150 मीटर्स है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बी सी आ जाएगा इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 10 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो बी सी असल में क्या चीज़ है, बी सी इज द हाइट ऑफ टावर है, दिस इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 30 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 86.6 मीटर्स। तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल
is 20 meter away from a tower 30 meter high. Determine the angle of elevation from his eye to the top of a tower. अब इस डायग्राम की मदद से इस क्वेश्चन को समझेंगे. एन ऑब्जर्वर 150 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर्स है. तो ये ऑब्जर्वर हम लेंगे ये वाला 1.5 मीटर्स, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ए बी, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर. एंड दिस ऑब्जर्वर इज कितना दूर है टावर से, टावर से 20 मीटर अवे है. ये सी डी, सी डी इज द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर है, सी डी टावर है, ए बी क्या है वो ऑब्जर्वर है. इस ए बी से इस सीधी लाइन को समझें टावर, इस ए बी सीधी लाइन को बंदा समझ लें, ऑब्जर्वर समझ लें, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है 20 मीटर्स का है, यानी इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 20 मीटर्स है, यानी बी और सी डिस्टेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर्स. अब क्या करना है, डिटरमिन द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई. जो ऑब्जर्वर है वो ए बी है और उसका जो आई है पॉइंट ए के ऊपर है, यानी पॉइंट ए से यहाँ इस तरह से कड़ा है, पॉइंट ए के ऊपर सर है, आई वहां पर है, पॉइंट ए से पॉइंट डी की तरफ देख रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट डी की तरफ देख रहा है. तो इस आई के ऊपर एंगल बनता है थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. ये एंगल हमने फाइंड करना है, यही रिक्वायर्ड है. अब हमने यहां पर इस डायग्राम को समझना है. अगर ए बी हाइट है ऑब्जर्वर की, तो एक और पॉइंट यहां पर मैं लिखता हूं सी ई, तो सी ई और ए बी भी बराबर होंगे क्योंकि दोनों के सेम हाइट है. तो ए बी अगर 1.5 है तो सी ई भी क्या है 1.5 है. और सी डी यानी इस डी से लेके इस सी तक का जो हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर क्या है 30 मीटर्स, हाइट ऑफ द टावर 30 मीटर्स. अब इनके बीच में एक और पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट क्या है ये वाला, यानी ई और डी, ई और डी जो है इसकी लेंथ हमारे पास आ जाती है. देखें इसमें से 30 मीटर से, इस 30 से अगर मैं 1.5 माइनस करूंगा तो डी ई की लेंथ आ जाएगी, डी ई ये वाली लेंथ आ जाएगी, जो कि क्या बन जाएगी 30 माइनस 1.5, तो ये क्या बन जाएगा 28.5 मीटर्स. यानी डी ई की जो लेंथ बन जाएगी वो 28.5 मीटर्स. अब हमने ट्राइंगल लेना है ए ई डी. अच्छा एक और चीज देखें, बी बी जो है बी सी, ये लेंथ है 20 मीटर्स और यही लेंथ ए ई बी है, इसकी भी क्या इसकी लेंथ कितनी होगी, ये भी 20 मीटर्स होगी. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 20 मीटर्स. तो अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम कि ये यानी इस ट्राइंगल की तीनों चीज़ें हमें समझ आ गई है. देखें हमारे पास एक ये डिस्टेंस है, एक ये है हमारे पास, और एक ये वाला है, ये जो कि हमें ज़रूरत है इस रेड वाले ट्राइंगल की. इस रेड वाले ट्राइंगल से हम सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं. इन ट्राइंगल ए ई डी, ए ए डी कौन से वाला ट्राइंगल है, रेड वाला ट्राइंगल है. तो इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास ए ई मौजूद है, तो ए ई इज 20 मीटर्स, जो कि ये ए ई असल में ये बेस बन रहा है, और डी ई
जो कि एंगल के सामने वाली साइड है वो है 28.5 मीटर्स, और ये क्या बन रहा है, ये बनना है परपेंडिकुलर, और थीटा हमने फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर जब हमारे पास हो तो टेन थीटा की ज़रूरत होती है, तो एज टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, डी ई ओवर बेस क्या है, ए ई। टेन थीटा विल बी इक्वल टू डी ई व्हिच इज 28.5 मीटर्स ओवर ए ई 20 मीटर्स। तो यहाँ पर मीटर्स और मीटर्स आपस में कट जाएंगे, तो थीटा हमने फाइंड करना है, तो थीटा विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स 28.5 ओवर 20। अब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, तो शिफ्ट प्रेस करके 10 प्रेस करेंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के 28.5 डिवाइडेड बाय 20, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है एंगल थीटा इज इक्वल टू 54.9 डिग्रीज। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 37 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 117 मीटर हाई इज 38 डिग्रीज। तो हमारे पास टावर है, उसको हमने इस डायग्राम के अंदर देख लें, इसको हमने बी डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो बी डी विच इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर रिप्रेजेंटेड बाय बी डी, और इसकी हाइट क्या गिवन है, 117 मीटर। और इसके अलावा जो हमारे पास है बिल्डिंग, बिल्डिंग मैंने ए ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए ई, तो ए ई इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये है 37 मीटर्स। अब यहाँ पर एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ पॉइंट डी के ऊपर, यहाँ पर एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ पर बनेगा थीटा, और ये थीटा हमें गिवन है, दिस थीटा इज इक्वल टू 38 डिग्रीज। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, यानी ए बी हमने फाइंड करना है, ए बी हमने फाइंड करना है, ये टावर है हमारे पास और ये बिल्डिंग है, और इन दोनों के दरमियान ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, यानी ए बी हमने फाइंड करना है। अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, इन ट्राइंगल ई सी डी, इस ट्राइंगल के अंदर थीटा के सामने साइड क्या है, सी डी, और ये सी डी तो हमें फिलहाल नहीं पता, लेकिन ये क्या बन रहा है इस एंगल के हिसाब से, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, और ई सी जो कि ए बी की इक्वल है, जब हम ई सी फाइंड करेंगे तो ए बी भी आ जाएगा, तो ये उस लिहाज से क्या है, बेस है। तो टेन का हम सहारा ले सकते हैं, तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर सी डी, बेस ई सी, और थीटा हमारे पास 38 है, तो टेन 38 इज इक्वल टू सी डी ओवर ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी इज इक्वल टू ई सी इन टू टेन
38 डिग्रीज। अब इस डायग्राम में देखें, हमारे पास जो सी डी है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सी डी है, और इस टॉप से लेके इस बी तक ये हमारे पास बी डी है। अगर हम बी डी से बी सी फाइन माइनस कर दें, क्यों? क्योंकि ये ए ई है और ए ई हमें पता है 37 मीटर्स है, ये गिवन है, तो ये भी 37 मीटर्स है, तो ये हमें मालूम है। और टॉप से लेके बॉटम तक यानी बी से डी तक ये 117 मीटर्स है। तो अगर मैं सी डी फाइंड करना चाहूँ तो सी डी विल बी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, माइनस करूँगा तो अब ये वैल्यू आ जाएगी बी डी 117 माइनस 37 इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 80 मीटर्स। सी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और ये सी डी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर डाल दें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू ई सी इन टू 10 38 है, और उसको मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ 10 38। सो ई सी विल बी इक्वल टू, अब हम डिवाइड करेंगे 80 को 10 38 से, तो ये आ जाएगा 102.4 मीटर्स। तो ई सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 102.4 मीटर्स। अब जब सी ई आ गया है तो सी ई यहाँ से लेके या ई सी ये है, एंड दिस इज इक्वल टू ए बी, और यही ए बी हमने फाइंड करना था। सो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इज इक्वल टू इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, एंड ए बी इज इक्वल टू ई सी, एंड ई सी इज इक्वल टू 102.4 मीटर्स। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, और ई सी की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ जो है, अब इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लिफ को बी ई से, बी ई इज द हाइट ऑफ द क्लिफ, और वो है हमारे पास 201 मीटर्स। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60 डिग्रीज। अब इसके टॉप से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बनता है, इसको मैं थीटा वन कह देता हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये एंगल यहाँ पर बनता है जो कि ये थीटा वन है। ये थीटा वन हमारे पास है 30 डिग्रीज, और दूसरा जो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इस एंगल को का जो अल्टरनेट एंगल बनता है वो यहाँ पर बनता है, ये है थीटा टू। तो थीटा टू इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ए डी जो है इसको हम कहेंगे कि ए डी क्या चीज़ है, टावर है, यानी टावर हाइट इज इक्वल टू डी ए या ए डी, और इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है, यानी टावर की हाइट हमने फाइंड करनी है। इसके डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो ए डी और बी सी आपस में इक्वल है, और इस तरह से ये देखें ए डी दिस इज इक्वल टू बी सी, इस तरह से अब देखें डी सी इज इक्वल टू
ए बी, ये भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम दो डायग्राम्स को, दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे। एक ये बड़े वाला ट्राइंगल है, ये पूरा, ये जो बड़ा ट्राइंगल है जिसको हम कहते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल। एक ये ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे और दूसरा ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे, वो अलग से मैं दोबारा से बता दूंगा। पहले हम इस ट्राइंगल को लेते हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी ई, इस ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं कि इस थीटा 2 के लिहाज से, क्योंकि इसके अंदर जो एंगल है वो थीटा 2 है, थीटा 2 के लिहाज से बी ई, बी ई हमें गिवन है और वो है 201 मीटर्स। इसके लिहाज से ये है परपेंडिकुलर, और ए बी जो कि हमें मालूम नहीं है, तो ए बी यहाँ पर बेस है, और थीटा 2 जो है वो 60 डिग्रीज है। परपेंडिकुलर और बेस जब हमारे पास हो तो हम टेन थीटा का सहारा लेते हैं। तो एज टेन थीटा, जो कि टेन थीटा 2 है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर इज 201 ओवर बेस है ए बी, और टेन थीटा 2 है 60 डिग्रीज, 201 ओवर ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है ए बी मल्टीप्लाइड बाय टेन 60 इज इक्वल टू 201। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू 201 ओवर टेन 60। यह हम कैलकुलेटर का सहारा लेंगे तो 201 डिवाइडेड बाय 1060, तो ये आंसर आ जाता है 116.05 मीटर्स। तो ए बी हमारे पास आ गया है, जो कि मैंने ऊपर बताया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ऊपर हम देखें डायग्राम के अंदर ए बी जो है ना डी सी या सी डी की इक्वल है, सी डी के, विच इज इक्वल टू 116.05 मीटर्स। ये हम अपने पास नोट कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी बाद में, अभी हमारा आंसर नहीं आया। अब हमने करना ये है कि दोबारा डायग्राम की तरफ आते हैं। इस डायग्राम में मैंने येलो वाला ट्राइंगल लिया था, अब मैंने दूसरा एक ट्राइंगल लेना है। वो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ये छोटे वाला ट्राइंगल है, ये वाला। अभी मैं दूसरे कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये कौन सा ट्राइंगल? इस ट्राइंगल का नाम है डी सी ई। ये कौन सा ट्राइंगल है? ये है डी सी ई। इन ट्राइंगल डी सी ई थीटा 1 जो है 30 डिग्रीज है, और जो बेस है वो है डी सी, जो कि ऊपर मैंने फाइंड कर लिया है, ये वाला, इसकी वैल्यू आ चुकी है 116.05 मीटर्स। ये है बेस, और इस ट्राइंगल में जो थीटा के सामने वाली साइड है वो सी ई है, ये वाली सी ई, ये है परपेंडिकुलर, सी ई विच इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर टेन थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या चीज़ है? परपेंडिकुलर है सी ई, बेस है डी सी। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो सी ई ओवर डी सी, तो डी सी 116
तो थीटा वन की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो क्या है 30 डिग्रीज सी ई ओवर 116.05। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ई इज इक्वल टू 116.05 इंटू 10 30। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें, 116.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 30, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 67.001, बस 67 मीटर्स। तो सी ई इज इक्वल टू 67 मीटर्स। अब इस डायग्राम में देखें, ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक सी ई, इसकी वैल्यू आ गई है 67 मीटर्स। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। ये हमने फाइंड करना है, हमारा टारगेट है ये ए डी हमने फाइंड करना है। और बी ई हमें पता है, ये देखें यहाँ से, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, बी ई विच इज़ 201, ये बी ई कहाँ से है कहाँ तक, बी ई यहाँ से लेके यहाँ तक है, दिस इज बी ई। अगर इस बी ई से ये सी ई माइनस करूँगा तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी, जब बी सी की वैल्यू आ गई तो हमारे पास ए डी बी फाइंड हो जाएगा। इसी के नीचे यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, तो देखें सी ई, बल्कि हमने बी सी फाइंड करना है, तो बी सी इज इक्वल टू बी ई, ये जो रेड वाली लाइन है, माइनस सी ई ये ब्लैक वाली लाइन, ये हम माइनस कर देंगे, तो बी ई 201 माइनस सी ई 67, तो बी सी की वैल्यू आ गई है 201 माइनस 67 इज इक्वल टू 134। तो बी सी की जब वैल्यू आ गई है तो बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी, सो ए डी इज इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू 134 मीटर्स। सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 134 मीटर्स। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। अ वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई। इस डायग्राम को भी साथ साथ देखें, इसको हम नाम देते हैं इस ट्रायंगल को ए बी सी। और अब पोल जो बी सी है इसको हम पोल कह देते हैं, और इसकी हाइट क्या है 8 मीटर, एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर। ए बी जो है ना इसकी शेडो है और दिस इज 6 मीटर। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट पॉइंट। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है, इन मीन्स थीटा फाइंड करना है। तो बी सी इज इक्वल टू 8 मीटर्स, ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर्स। बी सी इस थीटा के सामने वाली साइड बी सी है और वो क्या है परपेंडिकुलर, और ए बी जो है वो क्या है वो बेस है, और थीटा हमारे पास अननोन है, ये हमने फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो एज 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है बी सी ओवर ए बी, वैल्यूज पुट करते हैं तो यह आ जाएगा बी सी 8 मीटर्स
और ए बी है 6 मीटर्स, कटिंग कर लेते हैं, मीटर मीटर कट जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, 4/3, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब थीटा इज इक्वल टू 10 inverse 4/3। अब कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू, अब 10 इनवर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर टेंजेंट थीटा वाला बटन प्रेस करेंगे, 4/3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 53.13 डिग्रीज, क्योंकि ये एंगल है तो डिग्रीज, तो ये है फाइनल। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट इज 30 डिग्री, ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पर हम नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। अब ये जो सी डी है इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, टावर है। सी डी क्या है, ये टावर है। इस टावर से एक पॉइंट है ए के ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट इज 30 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल है इसको मैं थीटा वन कह देता हूँ, तो थीटा वन इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। फिर कहते हैं कि इस पॉइंट से आप इस टावर की तरफ जाएं, इस टावर की तरफ जाएं और पॉइंट बी पर पहुँचें। जब पॉइंट पी भी पहुँचते हैं तो उस वक्त ये एंगल कितना बन जाता है, 60 डिग्री। तो इस पॉइंट बी के ऊपर ये एंगल बनता है 60 डिग्री। इसको मैं थीटा टू का नाम दे देता हूँ, तो थीटा टू इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। और ए से बी तक जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर करना है, 100 मीटर, जब हम जाएंगे ए से बी की तरफ 100 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ टावर, ये हाइट हमने फाइंड करनी, मींस कि हमने सी डी फाइंड करना है। अब यहां पर देखें, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। बारी बारी हम एक एक ट्राइंगल लेते हैं। हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, जो बड़े वाला ट्राइंगल है, इस नाम को देखें ए सी डी, ये वाला बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम थीटा वन के लिहाज से देखेंगे, क्योंकि थीटा टू अब हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बड़े वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ए सी डी। इस बड़े वाले ट्राइंगल में हमारा जो एंगल है वो थीटा वन है, तो थीटा वन के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर है सी डी, सी डी ये हाइट हमने फाइंड करनी है, और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। और इसी ट्राइंगल के अंदर ए सी, ये हमारे पास क्या है, बेस है, और थीटा वन इस ट्राइंगल के अंदर 30 डिग्रीज है। परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो हम टेन का सहारा लेंगे, तो टेन थीटा वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है सी डी ओवर बेस है ए सी। और अगर हम यहाँ पर देखें ए सी को मज़ीद हम लिख सकते हैं, देखें ये ए सी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी है। अगर ए सी को हम ब्रेक करते हैं तो इस ए सी के अंदर दो चीज़ें नज़र आ रही है, इट मीन्स कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ए सी का जगह हम लिख सकते हैं सी डी ओवर ए सी की जगह ए बी प्लस बी सी।
अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जो वैल्यूज हमारे पास हैं, तो टेन थीटा वन है 30 डिग्रीज इज इक्वल टू सी डी, ये तो हाइट है, ये हमने ये हाइट मालूम करनी है, ओवर ए बी ये हमारे पास है 100 प्लस बी सी ये भी हमें मालूम नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी विल बी इक्वल टू 10 30 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस बी सी, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देता हूँ। अब दोबारा से इस ट्राइंगल की तरफ आते हैं। अब है इसमें हम ये छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं, यानी बी सी डी, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, अब उसके लिहाज से थीटा टू हमारे पास 60 डिग्रीज है, और थीटा टू के सामने वाली साइड जिस तरह थीटा वन के सामने वाली साइड भी सी डी थी, इस केस में भी ये जो सी डी है दिस इज द परपेंडिकुलर, क्योंकि ये भी थीटा टू के सामने है, तो सी डी ये हमने मालूम करना है एंड दिस इज परपेंडिकुलर। और इस ट्राइंगल के में देखें, इस ट्राइंगल के लिए ये बी सी जो है ये बेस है, ये बी सी क्या है, दिस इज द बेस। सो बी सी और ये हमारे पास क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो टेन थीटा टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, बेस क्या है, बी सी। अब हम इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि हमारे पास सी डी की भी वैल्यू नहीं है और बी सी की भी वैल्यू नहीं है, और थीटा टू की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्रीज है, तो 60 डिग्री हम यहाँ पर डाल देंगे, यानी टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी ओवर बी सी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी डी विल बी इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई टेन 60, इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर वन भी सी डी की है और इक्वेशन नंबर टू भी सी डी की है, सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, तो इक्वेशन नंबर वन में हमारे पास क्या है, यानी अब हमने सी डी नहीं लिखना, अब हमने इसकी ये वैल्यू लिखनी है, 10 30 इंटू 100 प्लस बी सी, 10 30 इंटू 100 प्लस बी सी इज इक्वल टू, अब इक्वेशन नंबर टू क्या है, वो भी सी डी की वैल्यू है, वो क्या है, बी सी इंटू बी सी इंटू 10 60। अब ये ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 30 प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाय 10 30 इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई 10 60। अब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 30, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 57.74 इज इक्वल टू, ये हम दूसरी साइड पे भेज देंगे, और ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास है बी सी मल्टीप्लाई 10 60, ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये तो बी सी इंटू 10 30। अब यहाँ पर बी सी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 60 माइनस 10 30, ये रह जाएगा हमारे पास। नाउ 10 60
माइनस 10, 30। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1. यानी बी सी ब्रैकेट के अंदर आ जाता है 1.155। तो 57.74। अब हमने क्योंकि बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी सी यहीं पे रह जाएगा, तो बी सी विल बी इक्वल टू 57.74 डिवाइड बाय 1.155। तो बी सी विल बी इक्वल टू, अब ये डिवाइड करेंगे 57.74 डिवाइड बाय 1.155, तो ये आ जाता है हमारे पास 49.99। आप इसको 50 भी ले सकते हैं, यानी बी सी इज इक्वल टू 50, आप इसको 50 समझ लें। सो बी सी इज इक्वल टू 50 meters। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट बी सी मालूम करना नहीं, क्योंकि अगर हम देखें डायग्राम में टावर की हाइट हमने मालूम करनी है, टावर की हाइट हमने मालूम करनी है और टावर की हाइट क्या है, सी डी है, तो हमने सी डी मालूम करना है। तो ये वैल्यू जब हमारे पास आ गई है तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 में अगर देखिए बी सी यहाँ पर आ रहा है, बी सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो बी सी यानी 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, 60। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट बी सी इज इक्वल टू 50 meters इन इक्वेशन नंबर 2। सो सी डी विल बी इक्वल टू बी सी, बी सी की जगह 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10, 60। तो 50 मल्टीप्लाई 10, 60 कैलकुलेटर की मदद से, तो ये हमारे पास आ जाता है सी डी इज इक्वल टू 86.6 meters। ये है हमारा फाइनल आंसर एंड दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। अ स्टड ऑफ अ फ्लाइंग काइट इज 200 meter लॉन्ग एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 degree। अब इस डायग्राम के अंदर हम इसको देखते हैं, काइट जो है वो इस पॉइंट के ऊपर है, इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। पॉइंट सी के ऊपर काइट है, यानी पॉइंट सी के ऊपर क्या है, ये काइट है, और ये जो काइट है इसकी जो लेंथ है फ्रॉम पॉइंट ए वो है 200 meters, 200 meters, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दैट इज 60 degrees। फाइंड हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट कहाँ पर है, ये बी सी, दिस इज द हाइट ऑफ द काइट, ये हमने फाइंड करनी है। टेकिंग स्टड टू बी फुल स्ट्रेच्ड, ये जो ए सी है क्योंकि ये जो रस्सी है ये बिल्कुल स्ट्रेच है, लूज नहीं है, तो इस वजह से उसकी मैक्सिमम हाइट बी सी है, तो ये हाइट हमने फाइंड करनी है। तो इसके अंदर हमारे पास बी सी की इंफॉर्मेशन ये हमें चाहिए, दिस इज़ द हाइट ऑफ द काइट, और ए सी ये हमारे पास है विच इज़ 200 meters, और थीटा हमारे पास है 60 degrees। इस ट्राइंगल के मुताबिक एंगल के सामने वाली साइड जो हमने फाइंड करनी है वो है परपेंडिकुलर, और ये 90 degree एंगल है, 90 degree एंगल के सामने है हाइपोटेन्यूज, तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमारे पास इसके लिए कौन सा फार्मूला है, साइन थीटा का है। तो एज वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज बी सी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 60 degrees, और बी सी ये हाइट हमने फाइंड करनी है, ए सी है 200 meters। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी विल बी इक्वल टू
200 मल्टीप्लाई साइन 60। तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, 200 मल्टीप्लाई साइन 60, तो ये आ जाता है 173.2 मीटर्स। सो दिस इज द हाइट ऑफ द काइट। अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 9188 मीटर हाई टावर, हमारे पास टावर है, इस डायग्राम को समझें। दिस इज ए बी सी, ये बी सी जो है दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर बी सी ये हमारे पास है, यानी बी बी सी हमें गिवन है, विच इज 9188 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। अ फायर इज ऑब्जर्व टू बियर एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 27 डिग्रीज, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, यहाँ पर मैं एक लाइन लगाता हूँ, यह एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है थीटा, और इस थीटा का अल्टरनेट एंगल बनता है यहाँ पर, ये थीटा हमें गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिस इज इक्वल टू 27 डिग्रीज। हाउ फार इज द फायर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी से जो फायर है वो पॉइंट ए के ऊपर है, तो इस फुट का यानी टावर के फुट का डिस्टेंस फायर की जगह से क्या है, डिस्टेंस ये कितना डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड ए बी, ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। इस ट्रायंगल को जब हम देखते हैं तो थीटा के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर है, और ये 90 एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, और ए बी जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो है बेस, वो क्या हमारे पास वो है बेस। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है किसकी, हमें ज़रूरत पड़ सकती है बेस की और परपेंडिकुलर की, क्योंकि हमारे पास हाइट ऑफ द टावर गिवन है। सो एज वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी और बेस क्या है ए बी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, तो टेन थीटा के वैल्यू भी हमें गिवन है 27 डिग्रीज इज इक्वल टू बी सी भी हमारे पास है 9188 मीटर्स ओवर ए बी। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा ए बी मल्टीप्लाई 10 27 डिग्रीज इज इक्वल टू 9188। ए बी क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी विल बी इक्वल टू 9188 ओवर 1027। तो अब दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 9188 कैलकुलेटर की मदद से डिवाइडेड बाय 1027, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1802.47 मीटर्स। सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्रीज, अ ट्री कास्ट अ शेडो 24 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो हम इस डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। यहाँ पर सन होगा, इस पॉइंट के ऊपर सन होगा,
और यहाँ से ये एक ट्री है जो जिसको मैं नाम दूंगा ए बी सी, ये ट्राइंगल हमारा, और जो बी सी है, बी सी इज द ट्री, बी सी क्या है, ये ट्री है हमारे पास। इस ट्री की शेडो है ए बी, दिस इज द शेडो ऑफ द ट्री। अब हमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है पॉइंट ए के ऊपर, ये एंगल कितना है 60 डिग्रीज, और जो शेडो है इसकी लेंथ है 24 मीटर्स। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू 24 मीटर्स। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री हमने फाइंड करना, हाइट ऑफ ट्री दिस इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज द हाइट ऑफ द ट्री, ये हाइट हमने फाइंड करनी है, और थीटा हमारे पास है वो है 60 डिग्रीज। अब अगर हम देखें तो हमें जो चाहिए एंगल चाहिए और ये वाली साइड चाहिए और ये ट्री हाइट, ये हमने मालूम करनी है। तो इस एंगल के मुताबिक दिस इज परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने ये है हाइपोटेन्यूस और ए बी जो है दिस इज द बेस। अब हमारा काम है किससे, परपेंडिकुलर से और बेस से हमारा काम है, तो परपेंडिकुलर और बेस का ताल्लुक टेन थीटा के साथ है। तो एज वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज बी सी और बेस क्या है ए बी, नो पुटिंग द वैल्यूज, थीटा के वैल्यू है 60, तो 10 60 इज इक्वल टू बी सी विच इज द हाइट ऑफ द ट्री, ये हाइट हमने मालूम करनी है, और ए बी जो कि शेडो है ये। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर और ये बी सी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी सी, बी सी क्या चीज़ है, हाइट ऑफ द ट्री, और 24 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 10 60 के साथ, 10 60 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 10 60, दिस इज इक्वल टू 41.56 meters, so this is the height of the tree.